हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अपडेट वन पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ अमेजिंग रोमांटिक मूवीज़ के बारे में जो कि सच में बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज़ हैं आज के हमारे इस टॉप 10 काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉप 10 काउंटडाउन। नंबर 10, द एज ऑफ एडलाइन। मूवी रिलीज की गई थी 2015 में और मूवी बेस्ड है ड्रामा एंड फैंटेसी एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एडलाइन से, जो कि 29th ईयर की एक लड़की है और उसे 29th ईयर तक कोई भी, या फिर कह सकते हैं वो किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं आती है। लेकिन अचानक से ही उनके लाइफ में एक लड़का आता है और उनकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। मूवी में क्या लास्ट तक वो दोनों एक साथ अपना लाइफ स्पेंड कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.2। नंबर 9, मी बिफोर यू। मूवी रिलीज की गई थी 2016 में और मूवी बेस्ड है ड्रामा एंड रोमांस एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है लुइसा क्लर्क से, जो कि अपनी नौकरी खो चुकी होती है और अचानक से वो ज्वाइन करती है एक केयर टेकर की जॉब। लेकिन कुछ दिन बाद वो अपने बॉस से ही प्यार करना शुरू कर देती है। मूवी में क्या लास्ट तक उन दोनों की लव स्टोरी सक्सेस होती है या फिर नहीं हो पाती है। मूवी बहुत ज्यादा इमोशनल है प्लस हार्ट टचिंग है और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.4। नंबर 8, ब्रोकीबैक माउंटेन। मूवी रिलीज की गई थी 2005 में और मूवी बेस्ड है ड्रामा एंड रोमांस एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी एक्चुअली दो लड़कों की कहानी है जो कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट करना नहीं चाहती है। मूवी में क्या लास्ट तक वो दोनों अपने रिलेशनशिप को कामयाब कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, इसी के ऊपर बेस करके ये कम्प्लीट मूवी बनी है। मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.7। नंबर 7, द इम्पॉसिबल। मूवी रिलीज की गई थी 2012 में और मूवी बेस्ड है थ्रिलर डिजास्टर एंड रोमांस एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी एक्चुअली सच्ची घटना के ऊपर बेस करके बनी है कि एक फैमिली किस तरह सरवाइव करती है सुनामी से। मूवी में आप देख पाएंगे कि एक फैमिली अपने आप को, या फिर कह सकते हैं कि वो अपने पूरे परिवार को बचाने के लिए किस हद तक पहुंचती है, और लास्ट तक क्या वो अपने सभी मेंबर्स को खोज के निकाल पाते हैं या फिर नहीं निकाल पाते हैं। मूवी की स्टोरी लाइन वन ऑफ द बेस्ट है और सच्ची घटना के ऊपर बेस करके बनी है और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.6। नंबर 6, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। मूवी रिलीज की गई थी 2006 में और मूवी बेस्ड है ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, प्लस ये आपको दिखाती है फादर एंड सन के रिलेशनशिप को। एक फादर अपने बच्चे को खुश रखने के लिए किस हद तक जाता है और वो अपनी बड़ी बड़ी मुसीबतों को किस तरह झेलता है, इसी के ऊपर बेस करके ये कम्प्लीट मूवी बनी है। मूवी की स्टोरी लाइन वन ऑफ द बेस्ट है और मूवी की स्टोरी आपके दिल को छू जाएगी और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 8। नंबर 5, इनटू द वाइल्ड। मूवी रिलीज की गई थी 2007 में और मूवी बेस्ड है ड्रामा एंड एडवेंचर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है क्रिस्टोफर मैककैंडल से, जो कि एक यंग ग्रेजुएट हैं और वो नेचर को बड़ी नजदीक से देखना चाहते हैं और इसी चाह में वो निकल पड़ते हैं एक अनोखे एडवेंचर पर। मूवी में के लास्ट तक वो अपने एडवेंचर को सक्सेस कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, वो क्या नेचर को नजदीक से जान पाते हैं या फिर नहीं जान पाते हैं, और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.1। इस मूवी को एटलीस्ट आप एक बार जरूर देखना चाहेंगे। नंबर 4, द नोटबुक। मूवी रिलीज की गई थी 2004 में और मूवी बेस्ड है ड्रामा एंड रोमांस एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एली एंड नोआ से, जो कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन एली को बीच बीच में भूल जाने की आदत है, या फिर कह सकते हैं कि वो हमेशा अपने पुराने हिस्ट्री को भूल जाती है। मूवी में हर बार नोआ उसे अपने प्यार का एहसास दिलाता है और हर बार वो फिर से एक दूसरे से प्यार करना शुरू करते हैं। मूवी इसी को बेस करके बनी है कि क्या लास्ट तक वो अपने रिलेशनशिप को कामयाब रख पाते हैं या फिर नहीं रख पाते हैं, और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.8। नंबर 3, अ वॉक ऑफ रिमेंबर। मूवी रिलीज की गई थी 2002 में और मूवी बेस्ड है ड्रामा एंड रोमांस एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी आपको ले जाती है कॉलेज लाइफ में, या फिर कह सकते हैं कि ये मूवी एक टीनेज लव स्टोरी के ऊपर बनी है। पहले तो उनमें टकराव होती है और बाद में उनके बीच एक गहरा लगाव हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि वो एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते हैं, इस हद तक वो प्यार करना शुरू कर देते हैं। मूवी में क्या लास्ट तक वो दोनों अपने रिलेशनशिप को कामयाब कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.4। जिन्हें कॉलेज लव स्टोरी देखना पसंद है उनके लिए ये बेस्ट मूवी है।
नंबर टू जोकर मूवी रिलीज की गई थी 2019 में और मूवी बेस्ड है ड्रामा एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है आर्थर फ्लैंक से जो कि भीड़ में भी अपने आप को अकेला समझते हैं या फिर कह सकते हैं कि वो एक सक्सेसफुल कॉमेडियन बनना चाहते हैं लेकिन उनके लाइफ में बहुत सारी स्ट्रेटजी होना शुरू हो जाते हैं या फिर कह सकते हैं कि वो बहुत सारे बड़े बड़े स्ट्रेटजी से गुजरते हैं। मूवी में क्या लास्ट तक वो अपने ड्रीम को सक्सेस कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.8। और लास्ट और नंबर वन पर हम बात करेंगे मेरी फेवरेट मूवी टाइटेनिक। मूवी को रिलीज की गई थी 1997 में और मूवी बेस्ड है ड्रामा डिजास्टर एंड रोमांस एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो दोस्तों स्टोरी को कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइटेनिक मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि शायद ही किसी ने ना देखी हो। मूवी बहुत ज्यादा हिट हुई थी प्लस जैक और रोज की जोड़ी सभी को बहुत ज्यादा पसंद भी आई थी और इनकी लव स्टोरी बहुत ज्यादा हिट भी हुई थी। इवन इसकी एंडिंग जब आप देखते हैं तो आपके आंखों से ऑटोमेटिक आंसू निकल आएंगे और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.8। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं, कमेंट हमसे जरूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए काउंटडाउन के साथ। खुश रहिए, हेल्दी रहिए। गुड बाय।